आज सुंदर कांति जोशी बेस्ट वुमेन परफॉर्मर की चयन समिति की बैठक हुई, जिसमें तीनों कैटेगरी में सीनियर, जूनियर और सब जूनियर कैटेगरी के बेस्ट परफॉर्मर्स के बारे में विचार किया गया और उनको सेलेक्ट किया गया। तो सिलेक्शन कमेटी ने यूनैनिमसली सीनियर कैटेगरी में ज्योति चौधरी, जो कि विकेट कीपर हैं, उनको चुना। उन्होंने 22 मैच में 369 रन बनाए और 41 विक्टिम्स विकेट के पीछे किए, तो उस एक्सीलेंस परफॉर्मेंस के लिए उनको चुना गया। जूनियर कैटेगरी में सिद्धि शर्मा सोल परफॉर्मर थी, जिन्होंने 10 मैच में 30 विकेट्स लिए, लेकिन चूंकि इस अवार्ड का एक नॉर्म्स है कि लास्ट 4 साल में जिनको अवार्ड मिलता है उसको हम वापस नहीं दे सकते, और सिद्धि शर्मा जी को लास्ट ईयर ही अवार्ड इस कैटेगरी में मिला था, तो इनको नहीं चुना गया। और इस कैटेगरी में कोई और एक्सीलेंट परफॉर्मर नहीं था, तो इस कैटेगरी में किसी को हमने अब इस बार नहीं चुना। सब जूनियर कैटेगरी में वृंदा शर्मा को हमने चुना है, उन्होंने 5 मैच में 209 रन बनाए और 4 विकेट लिए, तो सब जूनियर कैटेगरी में वृंदा शर्मा को चुना गया इस साल। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड उन क्रिकेटर्स को, वुमेन क्रिकेटर को, जिन्होंने राजस्थान में क्रिकेट शुरू कराई 75-76 में, उनको ऑनर करने का भी हमने सोचा। तो ये एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हम इस साल से शुरू कर रहे हैं भूतपूर्व खिलाड़ियों को, जिन्होंने राजस्थान में क्रिकेट को जिंदा किया, वुमेन्स क्रिकेट को। तो इस बार का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हम उस लड़की को दे रहे हैं, सीता भार्गव, जिसने इंडिया भी रिप्रेजेंट किया है 75 में। तो वो फर्स्ट थी राजस्थान से जिसने इंडिया रिप्रेजेंट किया। तो इस टाइम का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सीता भार्गव को दिया जा रहा है, जिसने 73 से लेकर 82 तक राजस्थान से क्रिकेट में रिप्रेजेंट किया और राजस्थान की कैप्टनशिप भी। सॉरी, माय नेम शरद जोशी, मैं राधा निवास क्रिकेट अकेडमी का सेक्रेटरी हूँ और मैं राजस्थान से रणजी ट्रॉफी भी खेलता था।